आज देखते हैं 7 का लास्ट पेपर है और ये जा रहे हैं अल्लाह की। और गली आज देखे साफ हुई है बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के होंगे। और आज मैं बना रही हूँ, देख लीजिए, नहारी। तो नहारी के लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, देख लीजिए साफ सुथरा है बिल्कुल। और ये है प्याज एक, और इसमें जो है थोड़ा सा शान का नहारी मसाला है और बाकी सब घर का है। पिसावा धनिया है, थोड़ा सा नमक है, और जो साबुत गर्म मसाला होता है उसे पीस के थोड़ा सा 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। तो साबुत गरम मसाले में दालचीनी और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें और थोड़ी सी जायफल जावित्री, ये सब पीस के मैंने इसमें मिलाया। और अगर आप लोगों को लगे पकाने के बाद भी कि इसमें मिर्चें वगैरह कम है तो आप जो है ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला ही ऐड करें, तो इससे नहारी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये जो गोश्त है ये अभी तो मेरे पास यही है, लेकिन अगर नहारी पकाएं तो बोंग का गोश्त इस्तेमाल करें, तो बहुत ही मज़े का बनती है नहारी। इसमें मैंने ये ऑयल डाल दिया और ये वो प्याज डाल दी है मैंने। अब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसे बाहर निकाल लूँगी और फिर मैं गोश्त डाल के और अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब ये मैंने प्याज फ्राई करके उसको बाहर निकाल लिया और अब मैंने डाल दिया है गोश्त, और इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब मैं इसे फ्राई करूँगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो हमने ये सारा मसाला निकाल के रखा है, ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी। ये जो गोश्त है इसको फ्राई करने के बाद थोड़ी देर तक मैंने इसे फ्राई किया है, उसके बाद मैंने इसमें सारा मसाला ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ी देर भुन जाएगा, जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा थोड़ी देर, फिर इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करके छोड़ दूँगी ताकि जो है गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है, अब मैं इसको लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि गोश्त गल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, इसमें मैंने डाला था 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था, और अब जो है वो हल्के चूल्हे पे मैंने रख के छोड़ दिया था, गोश्त गल चुका है। अब मैंने जो है ना ये वाले 4 चम्मच लिए है आटा और इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी और साथ साथ जो है हम उसमें चमचा भी चलाते रहेंगे। चूल्हा थोड़ा सा तेज कर लेंगे और फिर ये ऐसे करके चमचा चलाएंगे ताकि ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। देखिए पाँच से 10 मिनट तक जो है ये हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया चम्मच चलाते हुए, और अभी भी ये पक रही है। इसको अच्छी तरह से पका के फिर मैं ये जो है ना प्याज डाल दूँगी इसमें, और फिर इसको जो है लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। इसको खुदी रोगन आ जाएगा, बहुत सारे लोग जो है इसमें भगाड़ लगाते हैं, लेकिन मैं एक ही बार में पहले से ही जो है ना डाल देती हूँ ऑयल, तो खुद ही सही हो जाता है, ऊपर आ जाता है। हमारे मिट्टू देखे सो रहे हैं, आज ऊपर ही बैठ के सो रहे हैं, अभी उड़ गए हैं, मैं पता चल जाता है कि कोई आ गया। ये देख लीजिए, इसको मैंने 10 मिनट तक आटा डाल के चलाया था, अभी अच्छी तरह पक गई थी। उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए अभी छोड़ दिया है, ढक के रखा है। अभी जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए इसमें रोगन आ गया, तो मैंने बंद करके रख दिया था, बन गई है इसका चूल्हा बंद कर दिया। कहाँ जा रहे हो? ये हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि रोजा रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, बीपी लो हो रहा है शायद, तो जाके दिखा कर आते हैं। वो भी कोई ताकत की दवाई लेके आते हैं। जी आ गए हम लोग, अच्छा जी आ गए हम डॉक्टर के यहाँ से, और हुआ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बीपी लो था। बस मसला ये था कि काम नहीं हो पा रहा था घर का, और रोज़ा रख रही हूँ, रोज़े तो मेरे पूरे जा रहे हैं अल्लाह का शुक्र, लेकिन बस काम नहीं हो पा रहा था और चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी गए हैं तो बस डॉक्टर ने बताया कि बीपी बहुत ज़्यादा लो है, अब दवाइयाँ दी हैं उन्होंने खाने के लिए और इंजेक्शन लगाया है, और अब ये देख लीजिए साथ साथ सुबह का नाश्ता किए हुए अब खाना खा रहे हैं, और ये हमारे घर की नहारी है जो मैंने बनाई थी, और ये इनके पापा के फ्रेंड हैं असलम भाई, उनके यहाँ से ये कढ़ी आई थी, तो ये कढ़ी ये लोग खाएँगे अभी, इनके पापा गए हैं अभी काम से, अभी आके खाना खाएंगे। और अभी आते हुए मैंने आपको दिखाया था हमारे रोड पे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, वो शहरी तक क्रिकेट खेलेंगे, और अभी असाद के पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो ये भी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। हाँ इनके दोस्त हैं अरसलान, हाँ वही, तो फिर ये जाके वहाँ पे उनके साथ खेलेंगे।